गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13th ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहले आप लोगों को पिक्चर्स वाली प्रॉब्लम थी, तो वो अब मैंने सॉल्व कर दी है। तो जहाँ भी कहीं अगर हम स्पोर्ट वाले करंट अफेयर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपका पिक्चर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम कोई अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन करेंगे, कोई किसी पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है तो वहाँ पे भी अगर आप उसकी इमेज देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आपको याद रहेगा फिर। और इसके अलावा, अच्छा, कल मैं कमेंट्स में देख रही थी कि कुछ लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पे सामने एक प्लेग्राउंड है और वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं और उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो इतने क्यूट लगते हैं कि उन्हें मना भी नहीं कर सकते बार बार, और वो पूरे टाइम शोर करते रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और बस एक दो दिन की बात और है, इनकी ठंडी की छुट्टी जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही सब स्कूल जाने लगेंगे, फिर ये नॉइज़ आपको नहीं आएगी, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, बाकी मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा नॉइज़ आपको ना आए, ठीक है? चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम करंट अफेयर्स देखेंगे और फिर लास्ट में हम अपना दिसंबर वाला रिवीजन करेंगे। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द कास्ट बेस्ड सेंसस? कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पर हाल ही में कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट हो चुका है? तो जो फर्स्ट बेस है इस कास्ट बेस्ड सेंसस का, ये हाल ही में स्टार्ट हो चुका है बिहार स्टेट में, जहाँ पर जितने भी घर हैं इस स्टेट में उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है? और ये डिसीजन कब लिया था बिहार की कैबिनेट ने? ऑन 2nd of June 2022, ठीक है? इसके अलावा एक डिकेडल सेंसस हमारी यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, जिसमें कि हम काउंट करते हैं सभी रिलीजियस ग्रुप्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार स्टेट ने हाल ही में अपना कास्ट बेस्ड सेंसस लॉन्च कर दिया है, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट है, विच स्टेट वन द यूनाइटेड नेशन हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स 2023 फॉर जग मिशन? कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में यूनाइटेड नेशन का हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड जीत लिया है फॉर दियर जगह मिशन? ये जीता है उड़ीसा स्टेट ने। और जगह मिशन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, ठीक है? जिसके हेल्प से जो भी हमारे स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी लाइफ को एम्पावर किया जाता है, ठीक है? तो उड़ीसा जो है जगह मिशन को अंडरटेक करता है और इसके थ्रू ये अपने यहाँ पे 2919 स्लम्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। और पिछले 5 सालों में इन्होंने 1,75,000 फैमिलीज़ को लैंड टेन्योर सिक्योरिटी ग्रांट करी हुई है, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा, ये जीता है उड़ीसा स्टेट ने, किस लिए? अपने जग मिशन के लिए, ठीक है? देखिए, इसके अलावा हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपना 76th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। और इस दिन एक पोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज को मैप करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसके अलावा लॉन्च किए हैं स्टैंडर्ड क्लब्स इन स्कूल्स, स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान 2022-27, रिवाइज्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, साथ ही नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023, ठीक है? ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जो पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज है उसको लॉन्च किया है किस इंस्टीट्यूशन ने? BIS ने। और इन्होंने अपना 76th फाउंडेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करती है? ये है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने हाल ही में अपने लेटेस्ट फूड प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसके थ्रू ये मंथली इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट एंड शुगर को ट्रैक करते हैं, ठीक है? तो फिलहाल जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो कितने एवरेज पे है? 132.4 पॉइंट्स। ये हम कब के लिए देख रहे हैं? दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है? और ये 1% कम है अगर हम पिछले साल दिसंबर मंथ से कंपेयर करें तो, ठीक है? तो बस ध्यान में रखिएगा कि फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। रोम के बारे में एक और करंट अफेयर की न्यूज़ आप क्या जानते हैं? जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये कौन सा साल होता है? 2023 है। और इसका जो ओपनिंग सेरेमनी था उसके लिए होस्ट थी कौन सी सिटी? रोम, ठीक है? नेक्स्ट है, विच सिटी अनाउंस टू लॉन्च अ न्यू मोबिलिटी कार्ड
टू पे फेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन बसेस एंड मेट्रो। कौन सी सिटी है जिसने हाल ही में एक नया मोबिलिटी कार्ड अपना लॉन्च किया हुआ है ताकि जो बस और मेट्रो के किराए होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पे कर सकें। ये हैं दिल्ली गवर्नमेंट, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लॉन्च करेंगे ये नया मोबिलिटी कार्ड जिसके थ्रू जो लोग हैं वहाँ के वो अपने बस और मेट्रो के जो किराए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भी इशू किया है जिसके थ्रू ये टेंडर इनवाइट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये जो कार्ड्स हैं ये पार्ट हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का, जिसके थ्रू पैसेंजर्स को इनेबल किया जाता है किसी भी जगह से फ्रॉम होल कंट्री टू यूज़ दिस NCMC कंप्लायंट रुपे डेबिट कार्ड ट्रेवल के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये इनिशिएटिव किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का। बिकॉज के अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जो हाल ही में हिट हुआ है एवियन फ्लू से इसकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है केरला स्टेट। केरला स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एवियन फ्लू कंफर्म हो चुका है और इसी वजह से यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो केरला की हेल्थ डिपार्टमेंट है इन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है इन सभी डिस्ट्रिक्ट में। तो एवियन फ्लू कंफर्म हुआ था ग्राम पंचायत में इन द कैपिटल सिटी ऑफ थिरुवनंतपुरम, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि सभी तरह के जो यहाँ पे पोल्ट्री हैं, इसके अलावा जो पेट बर्ड्स हैं जो अफेक्टेड वार्ड्स में मौजूद हैं उन्हें किल कर देना चाहिए हमें। इसके अलावा जो भी एग मीट या फिर बर्ड फॉडर और लेटर वगैरह है वो सब भी हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जो हाल ही में एवियन फ्लू से हिट हुआ है इसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है कौन सा स्टेट, केरला। नेक्स्ट है 197 कम्युनिकेशंस इज़ द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच फिनेंशियल सर्विस कंपनी। आपको बताना है कि 197 कम्युनिकेशन कौन सी फिनेंशियल सर्विस कंपनी की पेरेंट एंटिटी है। ये एक्चुअली पेरेंट एंटिटी है लीडिंग इंडियन मोबाइल पेमेंट एंड फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी की, जिसका नाम है पेटीएम। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर लाया करता है, नोएडा में, ठीक है। किस वजह से ये न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपॉइंट किया है मिस्टर सुरिंदर चावला को एज इट्स MD एंड CEO, ठीक है। और ये जो इनका अपॉइंटमेंट है ये RBI ने अभी हाल ही में अप्रूव कर दिया है। फिर भी लेकिन RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को रोक के रखा है कि ये नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि सुरिंदर चावला बन गए हैं नए MD एंड CEO हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट है विच टेनिस प्लेयर वन द एडिलाइड इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल। आपको बताना है कि ये टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है एस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। किसको हरा के जीता है अगर आपसे पूछेंगे, तो इन्होंने हराया है सेबेस्टियन कॉर्डा को फाइनल मैच में, ठीक है। ये कहाँ से हैं, ये अमेरिका से हैं, ठीक है। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने जीत लिया फिर एडिलाइड इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल। और इनके बारे में एक और बात आप क्या जानते हैं, ये 21 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर हैं, और इसी के साथ इन्होंने राफेल नडाल को टक्कर दे दी है। अब ये राफेल नडाल की टैली के बराबर आ चुके हैं ऑफ 92 ATP सिंगल्स टाइटल इन द ओपन एरा, ठीक है। तो अब राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच सिर्फ 3 लोगों से पीछे हैं। कौन कौन है ये, फर्स्ट हैं इसमें जिमी कॉनर्स, इनके पास है 109 ATP सिंगल टाइटल। सेकेंड नाम है इसमें रॉजर फेडरर का, इनके पास है 103। और थर्ड नाम है इसमें इवान लैंडल का, ठीक है, इनके पास है 94। तो बस इन तीनों लोगों से पीछे हैं राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने 34th मैच जीता है ऑन ऑस्ट्रेलियन सेल सिंस 2019, ठीक है। नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये हैं सर्बिया से, ओके। 3-4 बातें ध्यान में रखनी है, एडिलाइड इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, सर्बिया के लिए। इन्होंने किसको हरा के जीता है, सेबेस्टियन कॉर्डा को। और सेबेस्टियन कॉर्डा कौन सी कंट्री से हैं, ये हैं अमेरिका से। नेक्स्ट है अनाहत सिंह हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। अनाहत सिंह आजकल न्यूज़ में है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं आपको ये बताना है। तो ये इंडिया की स्क्वैश प्लेयर हैं और हाल ही में इन्होंने जीत लिया है गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन बिर्मिंघम, ठीक है। तो ये सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने किसको हरा के जीता अगर आपसे ये पूछेंगे, तो इन्होंने हराया है सुहेला हाजिब को जो कि
इजिप्ट से हैं, ठीक है। और ब्रिटिश जूनियर ओपन की बात करें तो ये हर साल जनवरी मंथ में होता है यूके में, जहाँ से पूरी दुनिया से प्लेयर्स आते हैं इस टाइटल को जीतने के लिए, इसमें कम्पीट करना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा अनहत सिंह कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, ये एक स्क्वैश प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट, इसके लिए वेन्यू क्या था, बिरमिंघम। किसको हरा के जीता, सुहेला हाजम को, सुहेला हाजम कौन सी कंट्री से हैं, इजिप्ट से। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। आपको बताना है कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th एडिशन था, ये कौन सी सिटी में कंडक्ट हुआ। एक्चुअली ये होगा नागपुर यूनिवर्सिटी में, इन द सिटी ऑफ नागपुर। और फोकल थीम क्या रखी गई इस साल के इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए, तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, फार्मर साइंस कांग्रेस एंड ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी कंडक्ट किया गया है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये इसका 108th एडिशन था और ये कहाँ पे होगा, नागपुर सिटी में। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आदि शौर्य पर्व पराक्रम का अ मिलिट्री टैटू एंड द ट्राइबल डांस फेस्टिवल। आपको बताना है कि इस इवेंट के लिए कौन सी सिटी हमारी होस्ट है। तो आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ये एक मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, जो कि होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जो दो दिन का फेस्टिवल है, इसके थ्रू आर्म्ड फोर्सेस का कॉम्पिटेंस शो किया जाएगा, साथ ही इंडिया के ट्राइबल कल्चर के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कौन सी दो मिनिस्ट्रीज इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, फाइन। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन अ WTA सिंगल्स टाइटल। आपको बताना है कि पहले इंडिया की टेनिस प्लेयर कौन है जिन्होंने WTA सिंगल्स टाइटल जीता हुआ है। तो सानिया मिर्जा पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने WTA सिंगल्स टाइटल जीता था 2005 में, ठीक है। और ये वर्ल्ड नंबर 27 बन गई थी फिर 2007 में, ठीक है। और किस वजह से सानिया मिर्जा न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कन्फर्म किया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस, ठीक है। और ये अब खेलेंगी अपना फाइनल ग्रैंड स्लैम अपीयरेंस इन द वुमेन्स डबल, कहाँ पे, एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसके साथ खेलेंगी, एना डेनिलिना के साथ, जो कि हैं कजाकिस्तान कंट्री से, ठीक है। और फाइनली ये रिटायर करेंगी एट द WTA 1000 इवेंट, जो कि होगा दुबई में, ठीक है। सानिया मिर्जा की बात करें तो इन्होंने टोटल 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल जीते हैं और ये पहला है किसी इंडियन वुमेन के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पहली इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने WTA सिंगल्स टाइटल जीता है, ये हैं सानिया मिर्जा। और इन केस अगर आपसे पूछते हैं किस वजह से ये न्यूज़ में है, तो सानिया मिर्जा ने क्योंकि अपना रिटायरमेंट कन्फर्म कर दिया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द पर्पल फेस्ट, द फर्स्ट इंक्लूसिव फेस्टिवल फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो पर्पल फेस्ट है ये किस टाइप के लोगों को फोकस करेगा, तो ये PWD के लिए है, ठीक है। और गोवा ऑर्गेनाइज कर रहा है इस पर्पल फेस्ट को, और याद रखिएगा इसके थ्रू हम PWDs के लाइव और उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, और ये एक तरह से प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे कि हम अवेयरनेस इंक्रीज कर सकें कि ऐसे लोगों का सोसाइटी में इंक्लूजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्पल फेस्ट जो है ये ऑर्गेनाइज होगा एट पंजिम गोवा, और ये ऑर्गेनाइज होगा बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर PWDs, गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो पर्पल फेस्ट है इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट है, तो ये है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है, दीपर बील इज द ओनली रामसर साइट ऑफ विच इंडियन स्टेट। दीपर बील कौन से स्टेट का इकलौता रामसर साइट है, तो ये इकलौता रामसर साइट है असम स्टेट का, और इसमें हाल ही में रिकॉर्ड किए गए हैं 26,000 बर्ड्स 97 डिफरेंट स्पेशीज के ड्यूरिंग अ रिसेंट बर्ड काउंट, ठीक है। और इस साइट में रिकॉर्ड किए गए थे 10,289 बर्ड्स टोटल 66 स्पेशीज के 2021 में।
और यहाँ पे हाल ही में एक बर्ड फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया था इस इवेंट के दौरान। तो इन केस अगर आपसे पूछते हैं कि दीपर बिल जो कि न्यूज़ में है आजकल, ये कौन से स्टेट में लाया करता है, ध्यान में रखिएगा बस असम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम देखेंगे हमारा दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स का रिविजन पार्ट, और ये पार्ट 5 है इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब यहाँ पे विल क्यों है, क्योंकि दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है, जनवरी में स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे विल नहीं होगा। ठीक है, तो फीमेल अंपायर्स कौन से मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑफिशिएट करी हैं पहली बार इंडिया में, ये किया गया है रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, और ये जो तीन फीमेल अंपायर्स हैं इनके नाम क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नाम है इसमें वृंदा राठी। ठीक है, इसके बाद फिर सेकेंड नाम इसमें किसका है, जननी नारायण, और थर्ड नाम है गायत्री वेणु गोपालन। ये तीन फीमेल अंपायर्स हैं। ठीक है, और गायत्री वेणु गोपालन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है फोर्थ अंपायर के तौर पे सर्व कर चुकी हैं इन रणजी ट्रॉफी ही पहले इसके। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। आदित्य मित्तल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आदित्य मित्तल चेस से एसोसिएटेड हैं और हाल ही में ये इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये हैं मुंबई से। कल हमने क्या पढ़ा था, हाल ही में 79th ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं, ये हैं प्रनेश एम। आपको बताना है कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो विंटर सीजन है पार्लियामेंट का वो स्टार्ट हो गया था, और इसी वजह से ये चीज़ थोड़ा सा न्यूज़ में थी। हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। तो इस लिस्ट में हाल ही में तीन इंडियंस को फीचर किया गया है। क्या नाम है इनके, फर्स्ट हैं इसमें गौतम अदानी, सेकेंड हैं शिव नादर, और थर्ड हैं इसमें अशोक सूता। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सेल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाल ही में लॉन्च की है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, और कब लॉन्च की थी, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे। और सॉइल डे हम कब मनाते हैं, इसको मनाते हैं 5th of December को। ठीक है, इसमें इन्होंने बेसिकली ब्लैक सेल की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बात करी थी, कि किस तरह से ब्लैक सेल ग्लोबल पॉपुलेशन को फीड करती है, और फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में है, क्योंकि जो इसका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। अब इसके बारे में पीछे बात करी थी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमारा 2023 होता है, और जो ओपनिंग सेरेमनी है इसका, उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, ये है रोम। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी करी थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। ये जो है रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया था ड्यूरिंग इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीटिंग, और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया था, तो इन पार्टनरशिप विद केरला गवर्नमेंट। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रेन बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप ए। तो 6 बच्चों की डेथ हुई थी यूके में बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसका नाम है स्ट्रेप ए। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल डैस प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू। ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह की बातें बताई थी, लाइक इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो इंजरीज हैं और वायलेंस हैं उनकी वजह से 12,000 डेथ हर दिन होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, देखिए इस टाइप की जो रिपोर्ट होती है उसमें अंदर क्या है ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में, सिर्फ वो रिपोर्ट किसने जारी करी है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो किस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एग्जेम्प्ट कर दिया था अपने पहले के ऑर्डर में से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया था कि 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन क्रिएट किया जाएगा सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने फर्दर बताया कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा बिफोर हैविंग दिस यूनिफॉर्म ऑर्डर
इको सेंसिटिव जोन क्रिएट करने का जो कि इन्होंने मैंडेट किया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये लाई करती है इन द सब अर्बन्स ऑफ मुंबई, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट। पावर मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ प्लान टू डेवलप द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 500 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय विच ईयर। तो सेंटर ने हाल ही में प्लान अपने लॉन्च किए हैं जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा 500 गीगावाट तक की ग्रीन एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए, कौन से साल तक, बाय 2030। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी भी बैठाई थी जो कि प्लान करेगा इस पूरे प्रोसेस को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ G20 इंडिया टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन अपॉइंट हुआ है एज अ चेयर ऑफ G20 इंडिया? ये हैं टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन, इनको अपॉइंट किया गया है G20 इंडिया को लीड करने के लिए। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को अपॉइंट किया गया है एज द G20 इंडिया सेक्रेटरीट बाय द सेंटर, जो कि हमारे G20 इंडिया प्रोसेस को लीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप इज अ यूनाइटेड नेशंस होस्टेड एंटिटी बेस्ड इन विच कंट्री? तो जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशंस होस्टेड एंटिटी है, बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इनका गोल क्या है कि ये टीबी डिजीज को एंड कर देंगे 2030 तक। फाइन, द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड शी स्टेम इवेंट इन पार्टनरशिप विद द अटल इनोवेशन मिशन? तो एज पार्ट ऑफ स्वीडन इंडिया नोबल मेमोरियल वीक, शी स्टेम जो कि एक एनुअल इवेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड द जर्मन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इस इवेंट के थ्रू हम वुमेन के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी 15 क्वेश्चन आज के, और इसी के साथ हमने टोटल 75 क्वेश्चंस अब तक कवर कर लिए हैं दिसंबर मंथ से। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक, और इसी के साथ सिमिलरली हम लोग 240 तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, और लेटर ऑन फिर हम डिफरेंट मंथ्स को फोकस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपका थर्ड रिवीजन होगा, क्योंकि पहली बार हमने डेली करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा है, उसके बाद सेकेंड आपने मंथली रिवीजन में पढ़ा होगा, और थर्ड हम इसको इस तरह से पार्ट वाइज डेली रिवीजन में अब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स में, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्विज पे चलते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे जिनको आपको पढ़ना है, और ध्यान से इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िए, और आपको जो भी आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, विद टाइम आपका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू दैट सना साइनिंग ऑफ।